नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जैद अहमद और लोकतंत्र न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है। सेनवा सिविल अस्पताल पर डॉक्टर पर लगे सनसनीखेज आरोप, गंभीर, अत्यंत गंभीर और आश्चर्यचकित करने वाला मामला सेनवा सिविल अस्पताल का सामने आया है, जहां पर एक परिजन ने आरोप लगाया है कि उसके नवजात बेबी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। खैर, डॉक्टर का कहना है कि बच्ची मूवमेंट नहीं कर रही थी, उसकी सांसें और धड़कन नहीं चल रही थी, हालत क्रिटिकल है। हमने प्रयास करे जिसके बाद बच्ची को बड़वानी रेफर किया गया और बच्ची अब पूरी तरह स्वस्थ है। लेकिन ये गंभीर और आश्चर्यचकित करने वाला सेनवा सिविल अस्पताल का मामला है, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कई तरह के सवाल खड़े करता है। आइए आपको दिखाते हैं एक पूरी रिपोर्ट। सेनवा कलवाड़ी मोहल्ला निवासी मदीना भी, जिसे आज परसों पीड़ा के चलते सेनवा सिविल अस्पताल लाया गया था, महिला के परिजनों ने गंभीर आरोप अस्पताल प्रबंधक पर लगाए हैं। पहले तो उनका कहना है कि उन्हें यहाँ पर आने के बाद प्रसव के लिए बड़वानी रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही महिला को प्रसव पीड़ा अधिक होने पर अस्पताल लाया गया, जहाँ पर महिला को नॉर्मल डिलीवरी ही। बात यहीं खत्म नहीं हुई, आरोप इसके बाद और गंभीर लगे कि महिला के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया था। जी हाँ, बेहद आश्चर्यचकित करने वाला मामला है कि डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया था, लेकिन जब बच्चा कुछ देर बाद रोया तो आनंद फानंद में उसका उपचार किया गया और बड़वानी रेफर कर दिया गया, जहां बच्चे का अब उपचार जारी है। वहीं जब डॉक्टर से हमने इस संबंध में बात की तो डॉक्टर का कहना है कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा था, उसकी सांसें धड़कने नहीं चल रही थी, हमने मशीन पर रखा, उसके बाद उसने मूवमेंट किया है। एक बड़ा अत्यंत गंभीर मामला निकल के सामने आया है। अगर यह आरोप बिल्कुल सही है तो न सिर्फ सेंधवा बल्कि बड़वानी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है। सर ने जाँच करने के बाद में हमें बोला है कि बच्चे की डेथ हो चुकी है और आधा घंटा पहले बच्चे की माँ पेट में बोले डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो गई है बोले। तो सर ने वहाँ पे क्या नाम बताया सर का? सुनील पाटिल, क्या नाम? सुनील पाटिल करके नाम है वहाँ, और बड़े बड़े डॉक्टर है वो, छोटे मोटे डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन उन्होंने हमको धोखे में रखा। हाँ, उसके बाद में हम एक घंटा बच्ची वहीं रही, हमने तो हमारी बच्ची को मतलब ले जाने का इंतजाम कर दिया था, ये अब वो बच्ची की तो डेट हो चुकी है, उनको ले जाना पड़ेगा, तैयारी कर दी थी। फिर वो तो वहाँ हमारी लेडी से बैठी थी, फिर बच्ची ने वहाँ से रोना चालू करा, तो फिर लेडीज़ों ने देखा, देखने के बाद हमें बुलाया, फिर हम गए। उसके बाद में फिर डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने चेक करा, उसके बाद में आईसीयू में रखा। आईसीयू में 10-15 मिनट रखने के बाद जांच वगैरह करी, उसके बाद में बोल दिया कि आप बड़वानी ले जाओ। बच्चे को 4:15 डिलीवरी हुई कलवाड़ी मोहल्ले के, उसको जब हुआ तब सांस और धड़कन कुछ नहीं चल रही थी, न कोई मूवमेंट था। हमने उसको कोशिश करी थोड़ी देर, उसके बाद ऑब्जर्वेशन के लिए मशीन में रखा था, उसके बाद आधे घंटे बाद उसमें मूवमेंट हुआ, फिर हमने उसको बड़वानी जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि आपके द्वारा बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया, नहीं, वो थोड़ा समझाने में गलती हो गई है, बल्कि गलत फहमी हो गई है। तो सर, अगर समझाने में चूक होती, बड़ी चूक हो सकती थी, बच्चे को मृत घोषित कर दिया था तो। हाँ, सही।